गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश गुप्ता। टुडे आई विल टीच यू अ केमिस्ट्री टॉपिक फॉर क्लास 11th एंड 12th, पार्ट्स पर मिलियन। कंसंट्रेशन को हम पार्ट्स पर मिलियन कैसे यूज करते हैं एंड मोल फ्रैक्शन। इसे प्रीवियस वीडियो में हम कंसंट्रेशन को डिफरेंट टाइप के यूनिट में हम लोग जो है कि स्टडी कर लिए हैं। इसे मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी परसेंटेज में आज हम स्टडी करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। किस टाइप के कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं? जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेरी लिटिल माइन्यूट अमाउंट प्रेजेंट हो, ट्रेस अमाउंट में जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, दैट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। किसी भी सॉल्यूशन में यदि सॉल्यूट की बहुत माइन्यूट अमाउंट, ट्रेस अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं, PPM में। कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम प्रेजेंट इन पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। द अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम प्रेजेंट इन पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन, PPM में कंसंट्रेशन कहते हैं। सपोज करते हैं कि किसी सॉल्यूशन में कोई कंपोनेंट सॉल्यूट ए है जिसका वेरी वेरी लिटिल अमाउंट प्रेजेंट है, तो उस कंपोनेंट ए का कंसंट्रेशन PPM में, तो पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन PPM ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल क्या हो जाएगा? तो अमाउंट ऑफ कंपोनेंट ए इन ग्राम, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इसमें इन ग्राम बटे टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10^6। तो इस फॉर्मूले से हम उस सॉल्यूट ए का PPM में कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं। अब किस तरह के जो है कि कंसंट्रेशन को, जैसे एयर में पॉल्यूशन है तो पॉल्यूटेंट हमारे जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसमें जो पॉल्यूटेंट है उसका बहुत ट्रेस अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो एयर पॉल्यूशन को हम PPM में जो है कि पार्ट्स पर मिलियन में क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। जस्ट लाइक वाटर की हार्डनेस होती है, वाटर में जो इम्प्योरिटीज होती है वो ट्रेस अमाउंट में होती है, तो उस इम्प्योरिटीज का कंसंट्रेशन हम PPM में क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसमें PPM में कि व्हेन सॉल्यूट प्रेजेंट इन माइन्यूट कंडीशन और वेरी ट्रेस अमाउंट, दिस टाइप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। और उसको कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोल फ्रैक्शन। आइए देखते हैं कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है, सेकंड पार्ट। तो रेशियो, ये मोल फ्रैक्शन रेशियो है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट मींस सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट दैट रेशियो इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। सपोज करते हैं किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के एन ए मोल प्रेजेंट है, कितने सॉल्यूट के एन ए मोल हैं और सॉल्वेंट के एन बी मोल प्रेजेंट है। व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन एन ए मोल ऑफ सॉल्यूट इन एन बी मोल ऑफ एन ए मोल ऑफ सॉल्यूट इन एन बी मोल ऑफ सॉल्वेंट इन दैट कंडीशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाई ए मोल फ्रैक्शन को चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। चाई ए इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन ए बटे में मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन ए प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी। इसको एक्सप्लेन कर लेंगे तो मोल्स इक्वल क्या होता है, वेट ऑफ कंपोनेंट ए बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट ए बटे में वेट ऑफ कंपोनेंट ए बाय मॉलिक्यूलर वेट प्लस वेट ऑफ कंपोनेंट बी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट बी। तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। इस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया, तो सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ये क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन ए बटे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट मीन्स सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड करते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो ये हो जाता है। अब हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाई बी इक्वल मोल फ्रैक्शन को चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चाई बी इक्वल एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बटे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक्सप्लेन कर लेंगे तो मोल्स इक्वल क्या होएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बटे में वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसके द्वारा जो है कि हम फाइंड कर लेंगे किसका मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है ठीक जिसमें कि 60 ग्राम मेथिल अल्कोहल, एक सॉल्यूशन में 60 ग्राम मेथिल अल्कोहल, क्या चीज है 60 ग्राम मेथिल अल्कोहल डिजॉल्व है, कितना 60 ग्राम मेथिल अल्कोहल डिजॉल्व है, कितना है मेथिल अल्कोहल है आपका 60 ग्राम, वाटर में कितने वाटर में 120 ग्राम वाटर में, 120 ग्राम वाटर में 60 ग्राम मेथिल अल्कोहल प्रेजेंट है। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथिल अल्कोहल एंड वाटर, दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने। तो इसीलिए हम पहले क्या लिखेंगे, तो वेट ऑफ मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का वेट, वेट ऑफ मेथिल अल्कोहल डब्ल्यू इक्वल कितना हो जाएगा 60 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेथिल अल्कोहल एम इक्वल हम निकालेंगे कार्बन का यहाँ पर 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1। तो हम फाइंड कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो आपका ये 12 प्लस 20
इक्वल कितना जाएगा 32। तो आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथिल अल्कोहल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब मोल्स ऑफ मिथिल अल्कोहल निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ किसका मिथिल अल्कोहल कितना हो जाएगा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, कितना है वेट 60, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32। तो हम इसको वेट बाई मॉलिक्यूल डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.875। ये हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ मिथिल अल्कोहल, क्लियर। अब निकालेंगे वेट ऑफ वाटर H2O का वेट W दिया हुआ है 120, क्लियर। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18। अब मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 120, ये वेट हो जाएगा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 120। अब भाई मॉलिक्यूलर कितना है 18, तो हम 120 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 6.66। ये मोल्स हो गया आपका मिथिल अल्कोहल का और ये मोल्स हो गया वाटर का। अब हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो पहले मिथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, फाइंड कर लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथिल अल्कोहल इक्वल क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल का मोल्स कितना है, इतना है। तो मोल्स ऑफ मिथिल अल्कोहल 1.875 बटे में मोल्स ऑफ मिथिल अल्कोहल 1.875 और प्लस मोल्स ऑफ वाटर 6.66। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1.875 और डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 8.542। इतना आएगा 8.542। अब डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 0.220। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका हो जाएगा, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल हो जाएगा, ठीक। अब इसी ये निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथिनॉल के लिए मोल्स ऑफ मिथिल अल्कोहल बटे में मोल्स ऑफ मिथिल अल्कोहल प्लस मोल्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया गया, डिवाइड कर देंगे इतना आ जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथिनॉल हो गया। और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड करना है, तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या फाइंड करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स कितने हैं 6.66। अब बटे में टोटल मोल्स कितने हैं भाई, तो 8.542। ये हो गए आपके, तो डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा 0.780। तो ये मूल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो गया और ये मूल फ्रैक्शन ऑफ जो है कि मिथिल अल्कोहल हो गया। नमस्कार।